देख सकते हैं दोस्तों, मैं आ गया हूँ खड़ंजा वाला रोड पे। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कुछ सीन। देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं निकल चुका हूँ बाहर, मतलब जा रहा हूँ मैं दोस्त से मिलने के लिए। तो मैं कुछ आपको आज के इस ब्लॉग में मैं आपको कुछ बाहर का सीन दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को बने रहिए एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नहीं करें सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं। और पहले सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ यहाँ का कुछ नज़ारा, तो आप देख सकते हैं पीछे। आइए आपको चलते हैं, जैसे जैसे चलेंगे वहाँ का पूरा सीन आपको देखने को मिलेगा। और ये कुछ नॉलेजेबल वीडियो है, तो बने रहिए वीडियो पर एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक छोटा सा चौराहा है, जो कि बिहार वाला रोड है। यहाँ पे देख सकते हैं। सो दोस्तों, मैं अभी एक अपने चौराहे के पास का दुकान है, वहाँ पे मैं बैठा हूँ। और फिलहाल यहाँ पे तो दुकान काफ़ी सारे दुकान बंद है और काफ़ी सारे दुकान खुला भी है। तो कुछ मैं आइए आपको यहाँ का बाहर का सीन दिखाता हूँ और कुछ जानकारी भी दूंगा कि लॉकडाउन में कैसा सीन है गांव का। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से और यहाँ के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं दोस्तों ऐसा दुकान का नज़ारा। फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं अभी दुकान बंद है, और वो रहा मेरा साइकिल। और ये इधर भी दुकान बंद है, कुछ दुकान खुला है। आइए आपको बाहर से कुछ और सीन दिखाने चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे दुकानें बंद है और कुछ दुकानें खुला है। और ये एक छोटा सा चौराहा है मेरे गांव के पास का, और मैं जा रहा हूँ फिलहाल दोस्त मिलने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग शूट कर दूँ। तो फिलहाल देख सकते हैं ये यहाँ से सिर्फ बिहार का बॉर्डर मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे दुकानें यहाँ पर बंद है। आइए जैसे जैसे चलेंगे आपको सीन दिखाने। पीछे देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे दुकानें बंद है, और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। यहाँ पर एक पुल आपको नज़र आएगा, जो कि नदी। देख सकते हैं दोस्तों यह है महुआ पाटन घाट। तो फिलहाल दोस्तों मैं इस पुल के पास आ चुका हूं, और दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत सुंदर हवा बह रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है बाहर भी निकलने पे। और आज का मौसम जो है कि दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ का कुछ मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का कुछ सीन। आइए मैं बैक कैमरे से यहाँ का कुछ सीन दिखाना चाहता हूँ। और दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ से बिहार लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है बिहार का बॉर्डर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक जो है पुल, यहाँ से कुछ अगर सामान वामान जाता है, तो कुछ जो लॉकडाउन का समय चल रहा है यहाँ कुछ चेकिंग वेकिंग चल रहा है, तो इसीलिए ये देख सकते हैं वहाँ पे ढाला टाइप में बनाया गया है, ताकि गाड़ी उड़ी कोई बड़ी गाड़ी पास ना करे। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पूरा सीन। आइए बैक कैमरे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से कुछ अच्छा सीन, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों देख सकते हैं एक समय था जो कि इस पुल पे लगभग बहुत सारे लोग आते थे टहलने के लिए, और फिलहाल बहुत कम लोग हैं। तो दोस्तों ये सब लॉकडाउन का ही समय का सीन है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर हवा भी बह रहा है, और इधर पूरा सीन देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए चलिए चलते हैं और आगे का सीन देखते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो पे तक।
यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कुछ दुकान खुला है इधर, एक यह भी एक छोटा सा चौराहा है। देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा व्यू है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल कर सब्सक्राइब। ये दोस्तों जाता है बिहार की तरफ रोड, जो कि देवरिया जिला से पूरब, जो भिकमपुर रोड बोल सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, इस मंदिर के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और चलिए सीन दिखाते हैं आपको, वीडियो बने रहिए अंत तक। फिलहाल दोस्तों मैं अपने दोस्त के घर के पास आ चुका हूं, और यहां पे देख सकते हैं दोस्तों जो पीछे दिखाई दे रहा है यह है मुर्गी फार्म। जी हाँ दोस्तों, मैं बोला था कि वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी देने वाला वीडियो है, तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे दो मुर्गी फार्म है। तो फिलहाल ये बंद है क्योंकि लॉकडाउन में जो लोग, काफ़ी सारे लोगों को जो बोल सकते हैं धंधा पानी थोड़ा लो हो गया है, तो उसी के चलते यहाँ पर अभी मुर्गी उर्गी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अभी साफ़ सफाई चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का लोकेशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं लगभग काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ अपने दोस्त के घर के पास। तो चलिए चलते हैं और यहाँ उनसे मिलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। चलिए देख सकते हैं दोस्तों मैं आ गया हूँ खड़ंजा वाला रोड पर, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कुछ सीन। आइए बैक कैमरे से यहाँ का दिखाता हूँ कुछ सीन। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पास में ट्यूबवेल है, और यह है खेत का कुछ सीन। हाँ फिलहाल दोस्तों मेरा दोस्त मिल चुका है यहाँ पे, देख सकते हैं एक बार हाय बोल दो। हाँ तो कैसा लग रहा है दोस्त, आज बहुत दिनों बाद मिले हो हमसे। ठीक है, ठीक लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं दोस्तों अभी कैमरा के सामने कभी आया नहीं है तो थोड़ा शर्मा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा इसी का मकई का खेती है, तो आज बुलाया है तो मैं चला आया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सीन, आइए यहाँ का कुछ सीन दिखाता हूँ बैक कैमरे से। देख सकते हैं दोस्तों गर्मियों के दिन में, जो कि आप लोग अगर गोरखपुर वाला रोड में गए होंगे तो आपको पता होगा कि चौरी चौरा के पास जो ढाला है वहाँ पर मकई खाने को मिलता है। फिलहाल आज हमारे गांव के पास भी मकई बुआया है, तो मैं आया हूं अपने दोस्त के यहाँ। कौन हो रही सब है खाए कर छूटल में। अच्छा अच्छा अच्छा, तब ठीक हो। दोस्तों मैं बता दूं कि भाई ने मुझे बुलाया बहुत रिक्वेस्ट करके, तो मैं सोचा चलो भाई आज लॉकडाउन में इससे मिल ही लेता हूं। तो बोला कि आओ यार मकई ले जाओ, यहां पे देख सकते हैं बहुत ही इसका खेत है, बहुत ही बड़ा इसका खेत है, बहुत ही बड़े पैमाने पे इसका खेती होता है। मेरा जो दोस्त है यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, तो बोला कि आओ यार मकई ले जाओ, तो हम सोचे चलो ठीक है। तो आज फाइनली आ गए हैं मिलने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं पीछे बोरा लेकर के आए हैं हम, उसी में रख रहा है। यही है दोस्तों सीन, और चलिए बने रहिए वीडियो पे अंत तक। सो गाइस, भाई ने इतना मेहनत करके मकई उगा दिया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और प्रतीक भाई हमसे मिलकर के कैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिन बाद मिले हो यार। अच्छा लग रहा है। अच्छा, और इस साथ में इसका चाचा का लड़का। तो भाई वीडियो को करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। 1 2 3 4 5 6 7 8